प्रभु चन दीन दयाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल प्रभु चन दीन दयाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधा पति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल निर्मल मन ले तन मन धन ले 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 निर्मल मन ले तन मन धन कपट जंजाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल छोड़ी कपट जंजाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधा पति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल राधा पति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल भक्त हरु को पालन करने 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 हरु को काल भज मन कृष्ण हरे गोपाल हरु को काल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधा पति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन
जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज कृष्ण हरे गोपाल जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल गोपाल कृष्ण भगवान की जय पेज 20 श्री पांडुरंगाष्टकम पेज 20 श्री पांडुरंगाष्टकम महायोगपीठे तटे भीमरथ्याम वरं पुंडरीकाय दातुं मुनिन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्त मानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं महायोगपीठे तटे भीमरथ्याम वरं पुंडरीकाय दातुं मुनिन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्त मानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमा मंदिरं सुंदरं चित्प्रकाशं वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुंदरं चित्प्रकाशं वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंबः कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंबः कराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं स्फुवत् कौस्तुभालं कृतं कंठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं शिवं शांतमिड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं स्फुरत्कौस्तुभालं कृतं कंठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं शिवं शांतमिड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं शरश्चंद्रबिंबाननं चारुहासं लसत्कुंडक्रांतः गंडस्थलांगं जपारागबिंबाधरं कंजनेत्रं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं शरच्चंद्रबिंबाननं चारुहासं लसत्कुंडलाक्रांतगंडस्थलांगं जपारागबिंबाधरं कंजनेत्रं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं कीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैर्नर्घैः त्रिभंगाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं
Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Veerojjwalat Sarvadikpranta Bhagam Surairarchitam Divyaratnairanagirihi Vibhangakrutim Barhamalyavatamsam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Vibhum Venunadam Charantam Durantam Swayam Leelaya Gopavesham Dadhanam Gavam Vrundakanandanam Charuhasam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Vibhum Venunadam Charantam Durantam Swayam Leelaya Gopavesham Dadhanam Gavam Vrundakanandanam Charuhasam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Ajam Rukmini Prana Sanjeevanantam Param Dhamma Kaivalyamekam Turiyam Prasannam Prapannartiham Deva Devam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Ajam Rukmini Prana Sanjeevanantam Param Dhamma Kaivalyamekam Turiyam Prasannam Prapannartiham Deva Devam Parabrahmalingam Bhaje Pandurangam Stavam Pandurangasya Vai Punyadam Ye Pathete Kachitena Bhaktya Chanityam Bhavambho Nidhim Te Pitirvantakale Hare Ralayam Shashvatam Prapnuvanti Stavam Pandurangasya Vai Punyadam Ye Patante Kachittena Bhaktya Chanityam Bhavambho Nidhim Te Pitirvantakale Hare Ralayam Shashvatam Prapnuvanti Kundali Kamarada Haridhal Shri Nandadeva Tukaram Pandharinath Bhagavan Ki Maulid Jnaneshwar Maharaj Ki Shri Guru Govinda Maharaj Ki Shri Sadguru Keshav Datta Maharaj Ki Mauli Sadguru Madhusudan Maharaj Ki Sarva Santan Ki Jayanse Kelya Smarana Oya Sakal Vidyan Syadhi Karana Te Chivandu Shri Charana Shri Gurunse Nata Rudaya He Apule Saupaduniya Bhale Vari Vai Saupavule Shri Gurunchi Te Namaskaro Niyata Prahlad Narada Parashara Pundarika Vyasambari Shishuka Shaunaka Bhishma Dalbhan Rukmangado Dhavavibhishana Falgunadin Punyaniman Paramabhagavatan Natosmi Gopala Krishna Bhagavan Ki Jai Sachidananda Swarup Bhagavan Shri Hari Keshi Charanomi Sashtang Pranipatho Bhagavan Ananadvan Nivasi Siddha Paramahansa Shri Guru Govinda Maharaj in Keshi Charanomi Sashtang Pranipatho Prabhu Ki Evam Sadgur Ki Vandana Karte Huye Aaj Ke Madhyana Satkar Ka Prarambh Hota Hai Gopal Krishna Bhagavan Ki Jai प्रभु के द्वारा अहेतुक कृपा का दान उस समय ब्रजमंडल पे ऊपर हुआ इनकी बड़ी असीम कृपा था कृपा दान से प्रभु ने वो रास क्रीड़ा भूमि पे की भूलोक पे की जो नित्य गोलोक में होती है जिनका आनंद
गोलोक में है, वो परमात्मा आज भूलोक में सबके साथ खेल रहे हैं तथा सबको अपने रंग में रंगा रहे हैं। ये भगवान की दिव्य लीलाओं की चरम सीमा पर पहुंचाने वाली लीला है। इनका अनुभव करने के लिए हृदय में विशेष प्रकार से शक्ति का होना अत्यंत जरूरी है। जब तक इस प्रकार से अनुभव साधक को नहीं होता, तब तक ये रास क्रीड़ा ये पढ़ना भी ठीक तरह से उचित नहीं होगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, प्रभु ने जब रास क्रीड़ा की, वो रात को उन्होंने 6 महीने तक बढ़ाया था। राजा परीक्षित ने उनको पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे रास क्रीड़ा से अवगत कराया, अभी तो मैंने स्वयं देख लिया कि मैं आपके साथ उस रास के व्रज भूमि में, जहां भगवान ने गोपियों के साथ रमण किया था, उस रमण रेती पर मैंने बैठ के सब कुछ देख लिया। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भगवान के और जो कोई सर्वोत्तम इस प्रकार की लीलाएं हैं, कृपया आप मुझे इसे अवगत करा दीजिए। कहते हैं कि ठीक है राजन, उस समय की बात है कि जैसे ही ये ब्रजवासी अपने प्रभु को मानते थे, उसी प्रकार उनकी कुल देवता थी। हर एक कुल की एक देवता होती है। कुल देवता का मतलब इसी प्रकार से बताया गया शास्त्रों में कि जिस देवता के द्वारा उनके कुल परंपरा के लिए आशीर्वाद दिए गए हो, कुल देवता होती है। ये सब गोचर है, इनका धन ही पशुधन है, इसलिए इनके देवता भी इनके प्रमाणित है। इनका नाम है पशुपतिनाथ। इन सब गोपों के देवता पशुपतिनाथ जी महाराज है, जिनका मंदिर विद्यमान से आज नेपाल में है, वही पशुपतिनाथ। उसी को दूसरे नाम से अंबिका वन के नाम से जाना जाता है। उस पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए एक बार नंद बाबा हो चले। प्रभु की उत्तम प्रकार से उन्होंने पूजा की, शंकर भगवान की पूजा की, और अपने गोधन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने से वितैषी लोगों के लिए बड़ी करुणा से उन्होंने याचना भी की भगवान से। अद्भुत आनंद आया और उस समय वो अंबिका वन में रात में वहीं रुक गए। रात में सोए हुए थे मंदिर के प्रांगण में ही, उसी समय एक बड़ा सा अजगर कहीं से तो आ गया और उन्होंने पैर की तरफ से नंद बाबा को निगलना शुरू कर दिया। शुरू में तो नंद बाबा की समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, रात के अंधेरा था। उनको लगा कि अपने पैर कोई दबा दे रहा है, कोई पकड़ रहा है, पता नहीं चला क्या हो रहा है। लेकिन जब वो कमर तक पकड़ गए, तब उनको पता चला कि कुछ गलत हो रहा है, ये कुछ गलत है। उसी क्षण उन्होंने अपने आप को अपाहिज के रूप में पाया, प्रभु को याद किया कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। भगवान अपनी माता के साथ व्रज में सोए हुए थे, उन्होंने अपने पिता की आवाज सुनी, दर्द भरी आवाज सुनी, उनको रहाने गए। उसी क्षण प्रभु जो माता के गोद में थे, वो पिता के सामने सन्मुख खड़े हो गए। उन्होंने देख लिया कि कोई एक अजगर ने अपने पिता को अब तो बहुत ही निगल चुके हैं। उस समय भगवान ने अपने पैर से उस अजगर का स्पर्श किया, उसी समय वो अजगर मुक्त हो गए। वो विद्याधरार्चित नाम के गंधर्व थे, उनको श्राप मिला था अंगिरा ऋषि के द्वारा, इसलिए वो वहाँ पड़े हुए थे। उनको बताया गया था कि जब भगवान कृष्ण के पैर का अंगूठा आपको लगेगा, तब आप मुक्त हो जाओगे। ये तो मुक्त हो गए। अंबिकावन में महाराज नंद बाबा को एक सर्प ने पकड़ लिया, इस प्रकार की बात भागवत में बताई गई। अब धीरे धीरे भगवान बड़े ही होते जा रहे हैं, अब 12 साल के हो गए, और उस समय कंस ने उनको अनेक प्रकार से सताना तो आरंभ किया ही था। उनके मन में उनके प्रति, भगवान के प्रति बड़ा ही गुस्सा आया कि यही बालक हो सकता है, लेकिन ये वसुदेव ने किस प्रकार से बालक वहां पहुंचाया, ये उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। उनके एक मित्र थे, इनका नाम शंखचूड था। उस शंखचूड अपने मित्र को उन्होंने बताया कि रे मित्र, अब तेरी बारी है, जा और जाते हुए तुम कृष्ण को समाप्त कर दे। शंखचूड राक्षस वैसे तो कुबेर का सेवक था, और उसने सोच लिया कि भगवान का मर्म स्थान कौन सा है, भगवान को अगर
किस प्रकार से वश करे तो मर्म स्थान कौन सा है, तो भगवान का मर्म गोपियां थी। वो शंकर चूड़ आ गया और उन्हें एक एक गोपी को पकड़ पकड़ के वो ले जाने लगा। गोपियां रोती थी, चिल्लाती थी, प्रभु के लिए पुकारती थी। उसी समय भगवान वहां पहुंचे और उन्होंने शंकरचूड़ राक्षस को एक मुट्ठी में, एक मुक्से में उसे हरा दिया, उसको समाप्त कर दिया। उस समय उनका ही एक प्रेरित किया हुआ, कौन सा प्रेरित किया हुआ, अरिष्टासुर नामक एक आसुर बैल के रूप में वृंदावन पे आ गया, ब्रजभूमि में आया। वह अपने चारों पैर से ब्रजभूमि को उखाड़ रहा था तथा बार बार पूंछ ऊपर करते हुए मलमूत्र का त्याग भी कर रहा था। बड़ी शीघ्रता से और बड़ी ही प्रचंड वेग से उसने गोकुल को तथा वृंदावन भूमि को नष्ट करना प्रारंभ किया। भगवान ने उसके सिंह को पकड़ते हुए उसको 18 कदम पीछे ले गए और वही उसको दबा के उन्होंने मार दिया। जब शंखचूड़ और अरिष्टासुर का नाश हुआ तो भगवान को अत्यंत क्रोध हुआ। अपने भक्त को जो भी कभी सताता है भगवान सह नहीं पाते। अब की बार मेरे पास आने वाले दैत्य अब मेरे भक्तों को तकलीफ देने लगे। उन्होंने जान लिया कि एक राक्षस आया जिसने गोकुल की गोपियों को तकलीफ दी, दूसरा राक्षस आया जो व्रज भूमि को ही तकलीफ दे रहा है। प्रभु को अत्यंत क्रोध आया। बोल रहे थे अपने मन में, हृदय में, कि मेरे से अगर कोई पंगा ले तो ठीक है, लेकिन मेरे भक्तों के साथ पंगा ले वो जीवित नहीं रह सकता। कौन उसके मृत्यु का कारण शंखचूड़ और अरिष्टासुर यही थे हो गए। जब तक प्रभु के लिए दुश्मनी थी प्रभु ने बड़े सम्मान के साथ उन सबके साथ खेल खेला, लेकिन जब भक्त के साथ अरिष्ट होने लगा, नाम है उनका अरिष्टासुर, जब भक्तों के साथ अरिष्ट होने लगा तो वो सह नहीं पाए। उन्होंने मधुवन में बैठे बैठे याद किया नारद को। नारद आकाश मार्ग से नारद आ गए, बोले प्रभु जाओ, अंगुली निर्देश करते जाओ, जैसी आपकी आज्ञा। कहते हुए नारद जी को बिना बताए सिर्फ बताए नारद जाओ। नारद जी चले गए सीधे कंस के पास चले गए और कंस को बोलते हैं नारायण नारायण। ये तो बड़ी मजे की बात है, ये तो मूर्ख है, मैं आपको कोई समझदार आदमी समझता नहीं। बोले कैसे? अरे बेटा कंस तू इतना छोटा कैसे रह गया? बोले मैं छोटा? हाँ नहीं तो क्या, तुम्हें कोई भी बच्चा फंसा सकता है, कोई भी आपको किस तरह से भी तकलीफ दे सकता है। बोले मैंने समझाने, अरे कंस तू मूर्ख है। हाँ वो तो है ही, बोलिए आप क्यों? तो कहने लगे अरे कंस याद कर, पूर्व जन्म में तू कालनेमि नामक आसुर थे, याद आया? बोले हाँ, ये याद तो अपने 12 साल के पहले मुझे दी थी, तो यही याद मैं तुम्हें दोहराने के लिए आया हूँ। अरे तेरा शत्रु जो कोई है, जो व्योमवाणी से बताया गया था कि तेरा शत्रु जो आकाश में चली गई थी वो लड़की, वो बोल रही थी तेरा पूर्व और अपूर्व शत्रु, तो तुम्हारा पूर्व शत्रु पूर्व जन्म का जो अपूर्व है वही शत्रु आज के रूप में वासुदेव एवं कृष्ण के रूप में ब्रजभूमि में निवास कर रहा है। हाँ मेरी आशंका बराबर निकली। आशंका से क्या लाभ, तूने क्या प्रयास किया उसको मारने के लिए? नारद जी महाराज क्या बताऊं, मैंने बहुत प्रयास किए, जितने भेजे उतने ऊपर गए। कंस इससे काम नहीं होगा, देख उसके गले में जाने के बाद वो शेर बन जाएगा, उसको तुम्हारे यहां लाने के लिए तुमने कोई प्रयास किया? तो बोले नहीं। क्यों? डर लगता है? अरे यहां तो तुम्हारे कितने साथी लोग हैं, एक साथ सब हल्ला बोल दे, उसको समाप्त कर दे। कहूं सुन ले मेरी बात, तुम्हारे आजू बाजू में जितने भी तुम्हारे सेवक के रूप में है ना, सब के सब देवता है। इतना ही नहीं, वसुदेव एवं देवकी भी देवता है, चौंको मत, मेरी बात सुन लो पूरी। इतना ही नहीं तो उन्होंने ही अपने बेटे को एक टोकरी में रखते हुए गोकुल में छोड़ के आए हुए हैं। तो मैं क्या करूं, उनको अभी कभी मार डालूं? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम बहुत ही उतावील हो, उनको मारने से क्या लाभ है, तुम्हारे उनके साथ कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारी दुश्मनी कृष्ण के साथ है, समझने की कोशिश करो। बोले मैं क्या कर सकता हूं, कैसे भी रूप से कैसे भी हालात में तुम कृष्ण को मथुरा तक ले आओ, मथुरा से भागा हुआ मथुरा में आना चाहिए, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। और सुन ले
भूलो नहीं, ये सब गुप्तता से होनी चाहिए, क्योंकि सब देवता तुम्हारे इधर उधर काम कर रहे हैं, सब बात की जानकारी प्रभु को अपने आप मिल रही है। देखो, नहीं तो तुम्हारा असुर जाने के पहले उसकी मरने की तैयारी कैसी होती। वो आ रहा है, इस प्रकार का संदेश वो जाने के पहले ही वहां तक पहुंचता है। तू तो कंस महाराज के मन में अत्यंतिक भय का उत्पन्न कर दिया। तो महाराज मैं क्या करूं ये बताने के लिए तो बड़ा समझदार है, ये कहने की मुझे जरूरत नहीं। कृष्ण यहाँ कैसे आए इतना देख ले, बाकी तेरे हाथ, नारायण नारायण। आप नारद चल गए, ये अपरोक्ष गुरु है देवताओं तथा राक्षसों के। राक्षस नाम नहीं ले सकते, उनको भय के मारे उन्होंने कृष्ण का दर्शन अनुभव करवाया। किसी भक्त को भगवान देखने के लिए, जैसे कि प्रहलाद जी को देखने के लिए 6 साल लगे, ध्रुव जी को देखने के लिए 6 महीने लगे, लेकिन कंस को सिर्फ 6 वाक्य में भगवान दिखा दिए। क्या कृपा की नारद जी महाराज ने, बताए जाइए। जैसे ही भगवान से कौन से वार्तालाप करके नारद जी वहां से निकल पड़े, नारद जी सीधे आ गए भगवान के पास। नारायण नारायण नारायण। भगवान बोले, आइए आइए नारद जी महाराज, कहां से आना हुआ, बहुत दिन के बाद आपके दर्शन होने लगे। अपने गोपों को बताया, ये बहुत बड़े महात्मा है, नमस्कार कर लो इनको। ये तंबोरे वाले, हाँ बोले महात्मा है। गोप बालक ने उनको वंदना की, आप जाइए मैं इनसे जरा वार्तालाप कर लेता हूँ। बोले, नारद जी कैसे आना हुआ, कहाँ से आना हुआ है भगवान? मैं कंस के पास से आ रहा हूँ। अच्छी बात है, मिले महाराज, हमारे मामा जी मिले आपको? हाँ मामा जी मिले। अच्छी बात है, कैसी तबीयत पानी? सब ठीक है, अच्छी बात है। और क्या है? मैंने बताया कि वसुदेव एवं देवकी का लड़का 8वां तुम ही हो। अच्छी बात है। मैंने ये भी बताया कि आपके साथ देवता शामिल है, और जितने भी प्रयास का उसने आज तक आपको मारने के लिए किए, ये सब फिजूल हो गए, क्योंकि आपको संदेशा पहले ही मिलता है। और क्या बताया आपने? मैंने यही बता दिया कि जब तक आप मथुरा में नहीं जाते, तब तक आपको मारना असंभव है। मथुरा में लेके आइए, तो फिर आपके साथ दो दो करने के लिए, दो दो हाथ पाए करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और क्या बताया? मैंने ये भी बता दिया कि कृष्ण को किसी भी प्रकार से, किसी हालत से यहां लेके आओ। भगवान कहते हैं कि ये सब बातें आपने बता दी, यहां बता दिया, और क्या करना पड़ेगा हमें? अभी हमारे लिए भी कुछ बताइए। जैसे ही बोले, वैसे नारद जी ने आगे कहना शुरू किया, हे प्रभु, इसके बाद आप मथुरा जाओगे, कंस के साथ साथ आप युद्ध करना है, उसके पहले आप पूरे मथुरा वासियों का, अपना श्री चरणों का दर्शन कराएंगे, आप कोलया पीढ़ का उद्धार करेंगे, उसके बाद आप चाणूर का उद्धार करेंगे, उसके बाद आप कंस का उद्धार करेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से आप शिक्षा पालेंगे, गुरु जी के यहाँ जाके हुए शिक्षा पालोगे, उसके बाद आपके लिए कंस के ससुर जी जरासंध युद्ध का मौका उपस्थित करेंगे, उनके साथ 18 बार युद्ध करोगे, उसके बाद आप द्वारिका नगरी की स्थापना करने वाले हो, आपकी शादी होगी, 1 नहीं 2 नहीं आप भी तो 16108 लड़कियों के साथ आपकी शादी होने वाली है, आपका योगेश्वर ऐश्वर्य सबको दिखाने वाले है, और बाद में आप हम सबको आनंद देने वाले हैं। इस बात पे जब भागवत पढ़ते पढ़ते आते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये सब बातें पहले क्यों बताई गई। संतों ने इस प्रसंग की बहुत ही अच्छी एवं सुंदर व्याख्या की है। संत महात्मा ने बताया कि कंस का उद्धार इतना ही प्रभु का कार्य नहीं है, उसके बाद धर्म की संस्थापना है प्रभु का कार्य है, और वो कार्य के लिए हम चाहते हैं, देवताओं की तरफ से एक प्रकार से नारद जी ने निवेदन दिया है, आप ये करोगे, आप वो करें, आप वो करें, आप वो करें। ये भगवान के लिए कोई आदेश भी नहीं था, या आगे होने वाला संदेश देने की बात नहीं, ये सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु के कार्य में प्रभु अपना कार्य समापन हो चुका है ऐसे समझ के न जाए, और उनकी आवश्यकता हमारे लिए बहुत है, ये बताने की भक्तों की ओर से संतों की रीति होती है, ये संतों की रीति कहने की, आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे, आप ऐसे हो जाओगे, ये संतों का कहना है, ये कोई भविष्य कथन नहीं है। नारद जी महाराज ने बोल दिया, इधर कंस का तो हाल बुरा हो गया, न बोले तो अच्छा, बहुत ही व्यग्रता आ गई, उसके अपने मित्र भी उसको देवता नजर दिखने लगे, उसी समय उसने तुरंत
वसुदेव एवं देवकी को कारागृह में बंदिस्त करने के लिए आज्ञा दे दी। भेड़ियों से जखड़ते हुए दोनों को पकड़ के घसीट के कारागृह में डाल दिया गया। वसुदेव एवं देवकी उनको पता ही नहीं चला कि उनका अपराध क्या है। महाराज उग्रसेन तो पहले से ही कारागृह में बंदिस्त थे ही, अब की बार वसुदेव की को भी कारागृह में डलवा दिया गया, बंधन में फंसा दिया गया। और फिर उन्हीं कंस के मंत्रियों में से एक मंत्री जिनका नाम अक्रूर है, उन अक्रूर की योजना की गई प्रभु को लाने के लिए। अक्रूर को बताया गया कि आप हमारा रथ लेके जाइए और कृष्ण को समझा बुझा के किसी भी हालत से गोकुल में से वृंदावन से यहाँ तक ले आइए, यह आपकी जिम्मेदारी। यहाँ आने के बाद हम उसको मारने वाले हैं, कोयला या पेड़ हाथी या चाणूर या मोष्टिक या मैं। अक्रूर ने सोच लिया आज तक जितने व्रज में गए उनके वापस सिर्फ नाम ही आया, ये गए अब मेरी बारी। लेकिन अक्रूर सोच रहे कि इसके हाथ से मरूं इससे अच्छा है कि मैं भगवान के दर्शन करते हुए अपने आप को छोड़ूं, मैं प्रभु को मिलने के लिए जाऊंगा। ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे धनुर्विद्या के लिए, धनुर्यज्ञ का सुंदर यज्ञ करने के लिए उनसे परामर्श किया गया और एक तिथि सुनिश्चित कर दी गई कि किसी एक तिथि में ये होने वाला है, धनुर्यज्ञ होने वाला है प्रभु के लिए। जब बुलाने के लिए अक्रूर जी महाराज आ गए, सोने के रथ पर सवार होते हुए आए, जैसे उन्हें व्रज भूमि में कदम रखा तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखे भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के प्रभु के पद चिन्ह, उनका दर्शन उसने किया। उनको इतना आनंद हुआ अंदर से, उन्होंने रथ को छोड़ दिया और हर एक पद चिन्ह के ऊपर अपने मस्तक झुकाते, सिर झुकाते हुए प्रणाम करते लगे। अक्रूर जी को वंदना भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। जितने पद भगवान के मिले उन सब पदों की वंदना अक्रूर ने की। नमस्कार करते करते अक्रूर अपने मन को बोलते हैं, रे मन रे अंतकरण सुन ले, ये कृष्ण जो है वो एक तरफा देखा जाए तो तेरा भतीजा है, तो तेरा चाचा है। अब मिलने के बाद वो क्या बोलेगा सोचते रहो। आगे जाके बोले, हे कृष्ण मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, मैं आपसे कोई छुपाऊंगा नहीं। कौश महाराज जी का जो प्रयोजन है मैं आपको एकांत में जरूर बताऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं आपको डर रहा हूँ या मेरी मृत्यु की मुझे भीति है, इसलिए भी मैं बताऊंगा कि आपसे कोई बात छुपी जाती नहीं। हे प्रभु आप मुझे दर्शन दो, आप कैसे मिलोगे, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। हे गोविंद इस तरह से आपके दर्शन करके महान महान योगी अपने आप को संतुष्टता पाते हैं, उस प्रकार से मैं सिर्फ आपको देखकर अपने आप को स्थिर करना चाहता हूं। हे मधुसूदन आपकी कीर्ति एवं आपका सामर्थ्य आगाध है, आप हर एक अंतकरण की भाषा को अच्छे से जान लेते हो। क्या शब्द के माध्यम से आपसे बोला जाता है ये तो हमें जचता ही नहीं। हे आघासुर नाशक, हे प्रभु हर एक के पाप का नष्ट करने वाले, आप मेरे भी अंतकरण के मल को धो डालिए। हे प्रभु जैसे कि आपने युग युग में जन्म लिया है और युग युग में अनेकों राक्षसों का उद्धार किया है, हे मधुकैट भारी अभी आप हमारे लिए ही इसी प्रकार से सामने आने वाले हो कि जिस प्रकार से हम भक्त आपकी वांछा करते हैं। अभी आप कंस के साथ युद्ध करने वाले हो और आप कंस का भी उद्धार कर रहे हो ना, ऐसे अपने आप के मन में बातें करते करते अक्रूर जैसे आ गए। सामने से उन्होंने पाया कि धूल उड़ रही है, गोरज उड़ रहा है और उसमें अनेक गौवें अपने पूंछ ऊंची करती करती और दौड़ती दौड़ती बड़ी चिल्लाती शोर करते हुए सब आ रहे। उनके साथ साथ अपने आधार पर मुरली रखते हुए भगवान बाल कृष्ण चंद्र भी आ रहे हैं। 12 साल का शरीर है, दिव्य एवं सौष्ठव पूर्ण उनकी प्रकृति है। लगते हैं दिखते हैं 12 साल के, लेकिन लगते हैं जैसे कि 40 साल के। शक्ति संपन्न दिख रहे हैं, उनके बाहु तथा उनके भुजदंड शत्रुओं को डराने के लिए काफी मजबूत है, काफी अच्छे हैं। उनके वक्षस्थल पर श्री वंशलांचन चिन्ह शोभा दे रहा है, मानो मैं भक्त वत्सल ये भगवान बता रहे। उनके घुंघराले बाल भक्तों के अनेक प्रकार के संकट एवं दुखों को दूर करने के लिए सामर्थ्यशाली है, तथा उनकी मुस्कान ही भक्तों के लिए आनंद का अनुभव है। जिनकी आंखों में अपार करुणा है कि जो करुणा दृष्टि से देखते हुए भक्तों का ही नहीं अपितु राक्षसों का भी उद्धार करते हैं। जिनके चरण चिन्ह भूमि के स्पर्श करते हुए
इन भूमि को तथा सब लोगों को बता रहे कि यही चरण स्पर्श के लिए, यही चरण दर्शन के लिए ऋषि कोट्याशी रूप से तपस्या करते रहते, अनेक जन्म पा लेते हैं। ऐसे भगवान जिनका नाम श्री हरि है तथा वासुदेव नाम से जो विद्यमान है, उनको हम प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रभु को उन्होंने देख लिया, भाव विभोर से हो गए। माता यशोदा नंदरानी देख रही थी कि ठाकुर जी आ रहे सामने से, उनके चित्त में, इनके हृदय में बड़े प्रेम की वेदना हो रही थी। बड़े प्यार के साथ वो प्रभु के लिए अपने दोनों हाथ फैला रही थी, हे कृष्ण आओ मुझे मेरे गले लग जाओ। ठाकुर जी देख रहे कितना अद्भुत प्यार माँ की ममता, कितना अद्भुत प्यार इस सृष्टि के लिए, और प्रभु भी पूर्णता से सबकी तरफ दयार नजर से देख रहे थे। जैसे ही आगे पहुंचे अक्रूर जी महाराज, उन्होंने भगवान के कृष्ण के प्रभु के चरण देख लिए, उन्हें वंदना की और अपने आप को धन्य धन्य पाया। उसी समय कृष्ण भगवान दौड़ते दौड़ते आए, बलराम दादा दौड़ते दौड़ते आए, और दोनों ने मिलकर अक्रूर चाचा को उठाया, गले लगाया और बोलते, चाचा जी ये क्या कर रहे, हम आपके भतीजे है, हम आपसे बहुत छोटे है। अक्रूर के मन में भगवान के प्रति जो भावना थी, यो याम याम तनु भक्त्या, वो भावना से भगवान उनको मिले। भाई तुम, आप मुझे अपने आप को चाचा कहते हो ना मेरे, तो आप मेरे चाचा हो गए, मैं आपका भतीजा हो गया। इस तरह से प्रभु उनकी वंदना करते। माता जी ने भगवान को अच्छे से नहलाया, नूतन वस्त्र प्रदान करने के लिए दिए, उनका अंगराग करवाया, उनको फूलों से सजाया, उनको पीने के लिए गोरस दिया, और बाद में शाम के समय माताजी ने उनकी अच्छी तरह से बहुत बहुत अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हुए उनको खाने के लिए दिया सबको। अक्रूर जी को देखने के बाद नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ था, उनके वो चचेरे भाई ही जो थे, एक दूसरे के साथ बहुत से वार्तालाप हो गए। वसुदेव एवं देवकी का समाचार, उनको कारागृह में बंदिस्त कर दिया गया है, ये नंद बाबा ने सुनते ही उनके हृदय में बड़ी वेदना हो गई। इनके पीछे की भोग अब तक कम नहीं होते, इस प्रकार से नंद बाबा अपने आप के मन में ही बहुत ही दुखी हुए थे। उसी समय कृष्ण कहते हैं अक्रूर जी को, अपने आंखों की नेत्र पल्लवी से कहते हैं, आप चुप रहिए, अब ज्यादा मत कुछ कहिए। तो फिर पूछा, आना कैसे हुआ? अक्रूर जी कहते हैं कि कंस ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है जिसका नाम धनुर्यज्ञ है, और आप कंस महाराज जी के राज के एक अच्छे राजा हो, इसलिए आपको भी बुलाया गया है, आप सब परिवार एवं अपने दोनों बेटों के साथ आइए, मैं कृष्ण से वार्तालाप करना चाहता हूँ। कृष्ण कहने लग गए कि काल चाचा जी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला, बाकी शेष बातें कल बात करते। अरे कृष्ण तुम्हारे से बात, मुझे नींद आ रही है चाचा जी। भगवान अंदर चले गए, उनके पीछे पीछे अक्रूर गए। अब अक्रूर और कृष्ण एकांत में आ गए, पूछते बोलो क्या है? अक्रूर जी कहते हैं कि कृष्ण सच बात तो यह है कि तुम्हें मारने का फंसाने का ये सब प्रकार से बंदोबस्त कर चुके हैं, तुम्हें आना न आना अब तुम सोचो, मैं तुम्हारे से कोई छुपाने रहा। उनका सच्चा हृदय देखते हुए भगवान को भी बड़ा आनंद हुआ, उनकी सराहना की भगवान ने, ठीक है लेकिन ये बात से किसी को भी अवगत मत करा दो। तब तक ये समाचार पूरे ब्रज में फैला था कि कृष्ण को और बलराम जी को लेने के लिए कंस महाराज ने रथ भेजा है। उसी दिन उसी क्षण सब के सब गोपियां एवं सब अपने आप में दुख में बहुत ही दुखी हो गए, रोने लगे, मन ही मन टूट गए कि अब क्या होगा, ये प्रभु अगर यहाँ से निकल जाए तो हमारे लिए कौन रहेगा, हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, ये क्या हो रहा है, किस प्रकार से इस बात को टाला जा सकता है। अपने आप में बड़ा ही कष्ट ये लोग पा रहे थे, अपने आप में अत्यंत वेदना ये सब पा रहे थे, बड़ा ही उनको अपने मन में हृदय में वेदनाएं हो रही थी गोपियों को। उस रात गोपियों को किसी को नींद नहीं लगी। गोपियां कहने लगी, रे विधाता तू भी कितना पागल है, अरे तू किसी के साथ मिला देता है उसके वियोग के लिए, और किसको हमारी तरफ भेजा, ये अक्रूर को, अरे नाम तो उनका अक्रूर है लेकिन वो अत्यंत क्रूर है, वो हमारे से हमारा प्राण छीन के ले जा रहे, हमारे प्राणों को छीनने वाला
ये दुष्ट बुद्धि जीव को आपने भेजा है क्यों? वो रोने लगी और गाने लगी, एवं ब्रुवाणा विरत विरहातुरा भृशम व्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जा रुदस्व सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवे दी। हृदय में अत्यंत पीड़ा होने लगी मेरे। आज भोर आ गई, आज भोर नहीं अपितु उगने वाले सूरज के साथ हमेशा के लिए शाम आ रही थी, क्योंकि अक्रूर जैसे प्रभु को छीनने वालों का आगमन जो ब्रज में हुआ था। सूर्योदय के पहले भगवान उठ पड़े, बलराम जी उठ गए और नहाने के लिए जमुना जी पे गए, नहा के आए। अनेक गोपियां रास्ते में बीच रास्ते में खड़ी थी, उनके हृदय में पीड़ा तो जरूर थी, लेकिन मन में एक ही विचार था कि प्रभु न जाए तो अच्छा है। लेकिन रास के समय उन्होंने अपने आप को बताया था कि कृष्ण के लीला में विक्षेप करे ऐसे कोई हमसे नहीं होगा। हृदय से ना कह रहे थे, मन से ना बोल रहे थे, लेकिन तन से या मुख से कुछ भी नहीं बोल रहे थे, मुख रुदन कर रहे थे, कृष्ण की तरफ देख रहे थे। उनके हृदय में बड़ी ही पीड़ा हो रही थी। अक्रूर जी महाराज जाके नहा के आ गए, माता यशोदा का चरण स्पर्श किया, पिता का चरण स्पर्श किया, नंद बाबा ने अनेक गाड़ियां सजाई जिनके ऊपर भरा पूरा माल ले लिया, साथ साथ में यज्ञ के लिए जा रहे हैं तो कुछ अर्पण करे प्रचुर धन एवं गोपाल गोपों को साथ लेते हुए सब लोग निकलने के लिए आ पड़े। उससे माता यशोदा को बड़ी पीड़ा हो रही थी, बहुत रो रही थी, आंखों की रोशनी जैसी चली जा रही है। प्रभु ने जाते जाते अपने माता की वंदना की, बोले माँ क्यों रो रही हो, दो दिन की तो बात है, मैं यूं गया और चार दिन में यज्ञ का समापन करते वापस आ जाऊंगा। माँ बोलती है बेटा यूं गया और यूं वापस आया ये कहने के लिए और सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं हकीकत जानती हूँ, अरे कृष्ण तेरा स्वभाव मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तू रुट के जा रहा है ना, मैया ऐसे कैसे बोल सकती है आप। हाँ बेटा तुम मुझसे रुठाई है तो है, तू जब छोटा था तब मुझे डांटती थी, तू माखन चुराता है ऐसे तुम्हारे ऊपर मैंने लांछन लगाए थे, तुम्हें मैंने मक्खन भी नहीं खाने दिया ना। ए माँ ये क्या बोल रही है आज, ये क्या हो रहा है आपके मन में, कौन से विचार है। प्रभु उनको समझा रहे, लेकिन माँ कहते कि नहीं बेटा ये तो सच है, मेरे से रूठ के तू जा रहा है, मुझे पता है कि आज तू जाएगा तो फिर वापस न आने के लिए ही जाएगा, मुझे बिल्कुल पता है। हे पुत्र आज तक तूने मुझे बहुत आनंद दिया, इसके बाद मेरे लिए जीने का सहारा एकमात्र तेरा चरित्र तो बच चुका है, दूसरा कुछ है क्या। मुझे मालूम है कि मुझसे रूठ कर तू जा रहे हो, क्योंकि एक बार मैंने तुझे उखली के साथ बंधन कर दिया था, तुझे मैंने बांध दिया था, उस समय का गुस्सा तेरे मन में अभी भी है ना। कृष्ण कहते नहीं माँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है। माता कहने लगी बेटा आज तक मैंने तुम्हें एक बात बताई नहीं, लेकिन आज मैं कहना तुम्हें चाहती हूँ, तुझे पसंद आए ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात से तुझे अवगत करा देना चाहती हूँ। रे पुत्र तूने मेरा बड़ा ही सम्मान किया, तूने मुझे अपनी माँ मान ली, मेरे साथ पुत्र का व्यवहार किया, हे माँ तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ बोलने दो, लेकिन बेटा मैं जानती हूँ कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू देवकी का पुत्र है। जैसे ही माँ के मुख से ये शब्द निकल पड़े, कृष्ण भगवान उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि मानो कोई पहाड़ टूट पड़ रहा है। वो कह रहे माँ ये क्या बोल रही है आप, ऐसे कैसे हो सकता है,
दुनिया चाहे मेरे लिए कुछ भी क्यों न सोचे, लेकिन मैं नंदन नंदन एवं यशोदा नंदन के नाम से ही इसके आगे भी जानता जाऊंगा। बेटा तू यशोदा नंदन तो है ही, ये दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं होगा कि जो आपको यशोदा नंदन नहीं इस तरह से कह सकता है, लेकिन तू देवकी नंदन है, तू देवकी नंदन है। बार बार माता जब बोलने लगी, प्रभु की आंखों में आंसू आने लगे, माता कहती है बेटा लोग तो यही कहेंगे, गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला वसुदेव नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला वसुदेव नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला वसुदेव नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला वसुदेव नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला। अब कहना कह रहे हैं गोपाला गोपाला यशोदा नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला यशोदा नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला नंद नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला यशोदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला नंदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला नंदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, यशोदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला यशोदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला यशोदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला नंदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला यशोदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला यशोदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला नंदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला नंदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन 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 गोपाला, गोपाला गोपाला यशोदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला यशोदनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला व्रजनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला नंदनंदन गोपाला, व्रजनंदन गोपाला, गोपाला व्रजनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला व्रजनंदन गोपाला,
Gopala, Gopala, Gopi Janapriya Gopala, 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 Gopi Janapriya Gopala, 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 Gopi Janavallabha Gopala, 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 Gopi Janavallabha Gopala, 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 Devaki Nandana Gopala, 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 Devaki Nandana Gopala, 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 Devaki Nandana Gopala, Gopala, Devaki Nandana Gopala, 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 Devaki Nandana Gopala. भगवान को आपके पुत्र के रूप में ही ये दुनिया मानती रहेगी, जानती रहेगी, पहचानेगी। हे माते, मैं आपको एक शब्द देता हूं। प्रभु कहते हैं, हे माते, इन चरणों की सौगंध, मैं आपको एक शब्द देता हूं। श्रीमद् भागवत में लिखा हो गया है, प्रभु कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन से एक पैर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही हूं। हकीकत तो यह है कि बाद में प्रभु वृंदावन आए हैं, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा। संतों ने इसकी बहुत सरल व्याख्या की है। संत कहते, रे मन, तू जान ले, एक बात पहचान ले, कृष्ण को पाना है तो अपने अपने मन को बताओ, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन का परित्याग करते हुए हे मन, हे शरीर, हे तन, एक पैर भी कहीं इधर उधर मत जा, हमेशा वृंदावन में ही रहे। आप वृंदावन में रहो, जैसे कि बताया भगवान निकल पड़े, गोपियां फूट फूट कर रोने लगी, प्रभु की तरफ देखती है और बड़ी ही व्यग्रता के साथ, हृदय में बड़ी पीड़ा होती है, उसके साथ प्रभु को देखती है। प्रभु सबकी सांत्वना करते, आप रोइए मत, मैं आपके लिए कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यही तो हूं। कुछ दिन की तो बात है, गोपियां कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन गोपियां हृदय से रोती रोती प्रभु को इतना ही कहती है, एवं रुवाणा विरहातुरा भृश व्रज स्त्रिय कृष्ण विसक् तमानसा विसृज्य लज्जा रुदस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेदी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृत देव देव गोविंद दामोदर माधवेदी विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारिपादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशादि वोचत् गोविंद दामोदर माधवेदी गृहे गृहे गोप वधु कदंबा सर्वे मिलित्वा
ಸಮವಾಪ್ಯ ಯೋಗಂ ಪುಣ್ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಪಠಂತಿ ನಿತ್ಯಂ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇ ಸುಖಾವಸಾನೆ ಇದಮೇವ ಸಾರಂ ದುಃಖಾವಸಾನೆ ಇದಮೇವ ಜ್ಞೇಯಂ ದೇಹಾವಸಾನೆ ಇದಮೇವ ಜಾಪ್ಯಂ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾವರ ಗೋಕುಲೇಶ ಗೋಪಾಲ ಗೋವರ್ಧನ ನಾಥ ವಿಷ್ಣು ಜಿವ್ಯಪಿಬಸ್ವಾಮೃತ ಮೇತದೇವ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇತಿ गोपिया अपने आप को रोक न सकी प्रभु के लिए उनका हृदय विदीर्ण होते जा रहा आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी कृष्ण का वियोग नहीं तो कृष्ण के वियोग की सिर्फ कल्पना भी उनके मन में मानो सहस्रावधि सर्पों ने एक साथ डस लिया है या करोड़ों बिच्छू ने एक बार काट लिया है इस प्रकार से अनुभव गोपियां कर रही थी व्याकुलता भी जिनके नाम से रोएगी इस तरह की अवस्था इस तरह की पीड़ा इस तरह का अनुभव गोपियां अपने आप के लिए कर रही थी भगवान ने सबके तरफ देखा और हृदय से मन ही मन उनकी सांत्वना की तथा किसी के साथ बात न करते भगवान तुरंत रथ पर बैठ गए। अक्रूर जी को कहते हैं चलिए आप रथ निकालिए नहीं तो मैं नहीं जा पाऊं। बलराम ताऊ भैया प्रभु के निकटतम बैठ गए। बस रथ में तीनों ही लोग चलाने वाले अक्रूर जी और पीछे की स्वरूप दो ही हो गए। माता देवकी एवं गोपियां देखने लगी। पैर ऊंचा करते करते उन्होंने देखने शुरू किया। कुछ कुछ गोपियों ने अपने आप को रथ के मार्ग पर सुला दिया। हे अक्रूर अगर तुम्हें कृष्ण को ले ही जाना है तो हमारे शरीर से रथ जाएगा, हम नहीं जा सकते ले जा सकते। रथ का मार्ग बताने वाला तो हरि ही था। उन गोपियों को एक बाजू रखते हुए भगवान ने रथ निकालने के लिए कहा। श्री भगवान का वियोग ये व्रज के ऊपर सबसे बड़ा आघात था। रथ मार्गस्थ हो गए, रथ की धूली आकाश मंडल तक फैल गई, वो धूली में सब अनदेखा सा हो गया और आज व्रज के ऊपर वो धूली चढ़ गई कि जो धूली कभी भी बैठने वाली ही नहीं है। प्रभु का आगमन जितना आनंदमय था प्रभु से वियोग उतना ही कठोर सा हो गया था। सब छोड़ते हुए भगवान प्रभु वहां से निकल पड़े। जैसे रथ यमुना जी की ओर बढ़ गया
अकबर जी महाराज कहते हैं, सोचते हृदय में आपने कि अरे मैं इसको ले जा रहा हूं, अगर कंस के द्वारा इसकी हत्या हो जाए तो मेरे लिए कितना पाप लग सकता है, मैं गलती तो नहीं कर रहा। सोच रहा थी मन में कि क्या वापस ले जाऊं रथ को, मैं क्या करूं, लगे तो मैं महाराज कंस के हाथ से मर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन कृष्ण को मैं नहीं ले जा सकता। अरे कंस तो बड़ा विचित्र है, क्या कुछ कर सकता है। अक्रूर के मन की बात भगवान जान गए, चाचा जी कुछ हो रहा है आपको, नहीं तो ये यमुना जी देखने के बाद लगता है नहा लूं, आपने नहाया था ना, हाँ और एक बार नहा लूं ऐसे लगता है। अक्रूर जी कुछ बोलना इसलिए बोल पड़े, तो जाइए आप नहा के आइए। जैसे अक्रूर जी गए नहाने के लिए, नहाने का तो बहाना था, अपने आप सोचने के लिए उनको समय चाहिए था। जैसे पानी में पहले डुबकी लगा दी, उन्होंने क्या देखा, एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देख लिया शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। देवताएं स्तुति कर रहे हैं,